बोलेरो मैक्स देख सकते हैं, यून 2023 DS6 मॉडल। सो फ्रेंड्स, मेरे पास आ चुके हैं महिंद्रा की बोलेरो गाड़ी, देख सकते हैं मैक्स। और ये मैक्स गाड़ी के अंदर हम डालने वाले हैं क्लच प्लेट। इसी क्लच प्लेट फेल हो चुकी है, वो सब हमने चेक कर लिया कंप्लीट डिटेल के साथ। और खोलेंगे कितने की आएगी सबसे पहले वो बताऊंगा। BS6 गाड़ी है, फटाफट में वीडियो बने रहे। मैं तो खोलता हूँ क्लच प्लेट, तो आप वीडियो में बने रहना और देख सकते हैं क्लच प्लेट कैसे गई और गाड़ी पिकअप नहीं ले रही थी बिल्कुल भी। और हम इसको रिपेयरिंग भी करेंगे, करने की कोशिश करेंगे और नवी भी डाल के आपको दोनों का भाव बताऊंगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देख सकते हैं मैक्सी ट्रक है भाई, मैक्स है मैक्स। तो फटाफट वीडियो को लाइक करना। चलो चलो, खोलना चाहता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या क्या नवी नवी प्रोसेसर है खोलने की, वो मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले मैं अंदर का व्यू दिखा। सो फ्रेंड, देख सकते हैं ये अंदर का व्यू है। जो पहले आता था वो पूरा अच्छा आता था खोलने का, अब इसके अंदर वो सिस्टम नहीं रहेगी। अब इसके अंदर ये हम 4 बोल्ट खोलेंगे, ये हमारा निकल जाएगा। और बाकी की आओ और दिखा देता हूँ। दूसरी चीज ये, आप पहली बात तो इसका इंजन देखिए, देख सकते हैं ये इसका इंजन है। और आपको इस इधर साइड जगह मिलेगी, इधर से हम पहले अंदर घुस के बोल्ट खोलते थे सेंसर, अब वो ऊपर से दिख जाएगा आपको। मैं जूम करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये रहा। तो इसके अंदर वो जगह कम दी गई है, पर इंजन का जो स्पेस है वो बहुत अच्छा है, जो अभी की गाड़ी से लाख गुना अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर जगह है देख सकते हैं आप, और कंप्लीट है। और जो अभी इसमें वाले मॉडल की है उसमें बिल्कुल जगह नहीं थी, थोड़ा अच्छा तरह दिया है कंप्लीट। और इसका लुक वाइज भी बहुत बढ़िया है। तो अब चलो हम गियर खोलना स्टार्ट करते हैं, बाकी का खोल के आपको मैं बताता हूँ और क्या क्या खुलेगा वो भी। अगर कोई दिक्कत वाली बात होगी BS4 और BS6 के अंदर तो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे खोलना। ये जो क्लच तो चलो वो हमारी खुल चुकी है, और बाकी बहुत दिक्कत आई इसमें खोलने में भी। और देखो अब मैं क्लच प्लेट भी आपको दिखा दूँ किस टाइप की निकली है और लुक की निकली है इसके अंदर। और ये महिंद्रा लुक देख सकते हैं, ये उसकी क्लच प्लेट है, कितनी बुरी तरह जल चुकी है देख सकते हैं। और मैं इसको रिपेयरिंग करने का भी सोच रहा था, पर रिपेयरिंग हो ही नहीं क्योंकि ज़्यादा कट चुकी है और इसका तवा भी घस चुका है देख सकते हैं। तो इसलिए क्या रिपेयर हो ही नहीं देख सकते हैं, बहुत भारी भी होती है और बाकी बहुत दिक्कत होती है इसके अंदर खोलने में, और मजदूरी भी ज़्यादा ही है। तो हमको कुछ क्लच प्लेट आ रही है इसकी 4,900 रुपये की आ रही है, और लुक कंपनी की है ओरिजिनल महिंद्रा जो निकली इसके अंदर। मैं निकली वो भी बता दूँ आपको कौन सी कंपनी की है। तो आओ सो फ्रेंड, देख सकते हैं ये लुक कंपनी के लिखेला आ रहा है, ये पार्ट नंबर है। और ए साइड से भी आप देख सकते हैं, पूरी यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, ये इसका तवा। और देख सकते हैं लुक इंडिया महिंद्रा का सिंबल है इसके अंदर, दिख नहीं रहा है, मैं दिखा सकता हूँ शायद। हाँ देखो आपको दिख गया लुक। अब ये इसकी भी क्लच प्लेट आई है, फिर मैं आप सबको बताता हूँ लाके। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब मैं हम गाड़ी के नीचे क्लच प्लेट हमने लगा दी है, और मैं आपको दिखा देता हूँ पहले क्लच प्लेट इसकी लुक की है। थोड़ा क्या टाइम ज़्यादा हो गया था इसकी वजह से हम दिखा नहीं पाए, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड, देख सकते हैं लुक कंपनी की आई है, और इसकी बॉक्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। बॉक्स दिखा के ये क्लच प्लेट हम फिट कर रहे हैं। सो फ्रेंड, देख सकते हैं वो हमारा गियर चढ़ चुका है और बाकी सारा फिटिंग हो रहा है। और आप अंदर से भी देख सकते हैं इतनी सी जगह में सब हो रहा है, और अंदर से सब कारीगर भी लगे हैं कंप्लीट। और ये क्लच प्लेट इसकी ये रही जो मैंने आपको बताई है, और देख सकते हैं सारा फिटिंग हो जाएगा। फिर मैं आपको ट्रायल मार के बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या दिक्कत आ रही है और क्या क्या होएगा। सब कंप्लीट हो चुका है अभी, तो अब चलो सारा फिटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। और कंप्लीट चल रही है देख सकते हैं आप, और इसमें कोई दिक्कत वाली भी बात नहीं आ रही। क्लच प्लेट भी हमारी ओके, एकदम पावरफुल और कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कारण से आप रास्ते में फंस जाओ तो मुझे कॉल कर देना, यही नंबर आ रहा है ऊपर, कॉन्टेक्ट नंबर है यही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना।